हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त सोहेल। आप देख रहे हैं अद्भुत व्लॉग का एक और नया एपिसोड। तो जी हां दोस्तों, आज हम लोग जुड़ गए हैं आपके साथ। आज मैंने एक्चुअली दरअसल कल ही मैंने वैक्सीन अपनी बुक कर दी थी। एक जसोला में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है कोई, वहाँ की एक मैंने वैक्सीन बुक करी हुई है। तो फिलहाल मैं निकल रहा हूँ वैक्सीन लगवाने के लिए और देखते हैं वैक्सीन का क्या असर रहेगा, किस तरह का इम्पैक्ट रहता है मेरे ऊपर। वैसे तो कोविशील्ड है मेरे ख्याल से, तो मेरे काफी सारे दोस्तों ने ऑलरेडी लगवा लिया, तो उनको तो किस तरह का कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। तो आई होप कि मेरे साथ भी ऐसा कोई मसला ना हो। तो चलिए फटाक से चलते हैं, मैं रेडी भी हो चुका हूँ और मेरा ऑफिस भी है आज। और आज मैंने पहने हैं कैजुअल। रीज़न ये है कि यार बाहर काफ़ी ज़्यादा माहौल बिगड़ा हुआ है, बारिश वारिश हो रही है, और ऐसे में फिर फॉर्मल पहन के जाओ, फिर लेदर के शूज़ होते हैं यार वो ख़राब हो जाते हैं। तो स्पोर्ट्स शूज़ पहन लेते हैं, वो ख़राब भी नहीं होते, सही रहते हैं, कंफर्टेबल भी रहते हैं। तो चलते हैं, हम निकलते हैं बाहर यहाँ से और फिर मिलते हैं आपसे अगली चाल में। बाय। तो गाइस फटाफट से निकाल लेते हैं अपने वाइट वाले शूज़ और यहाँ पर रखा था मैं अपना फोन चार्जिंग पे, और यहाँ पर हमारे पास हेलमेट। हाँ, अब ठीक। तो यहाँ पर बारिश होने लगी है और अब बूंदाबांदी जो है वो तेज हो गई है। तो मेरा इरादा अब ये बन रहा है कि मैं अब फिलहाल रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ और मैं फोन को रख लेता हूँ अभी फिलहाल अपनी बैग में, क्योंकि तो फोन गीला हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर माइक गीला हो गया तो माइक हो जाएगा खत्म। तो गाइस आ चुके हैं हम लोग यहाँ पर अपनी वैक्सीनेशन के लिए, खड़े हैं लाइन में और देखते हैं नंबर कितनी देर में आएगा। अभी बज रहे हैं 10:22। सो गाइस काफ़ी हैवी रेन भी थी आज, अभी इवन हो भी रही है, मैं पूरा भीग चुका हूँ और अभी मुझे ऑफिस भी जाना है। मुझे नहीं पता मैं ऑफिस कैसे जाऊँगा, पीछे बैग में लैपटॉप वगैरह भी रखा हुआ है। तो फिलहाल अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वैक्सीन लगवाएंगे देन फटाक से निकलेंगे यहाँ से। सो गाइस काफ़ी जिद्दोजहद के बाद फिलहाल मैं पहुँच गया हूँ ऑफिस। मेरे दोस्त ने मुझे ये दे दी है इनकी तरफ पहनने के लिए। टी शर्ट मेरी पूरी गीली हो चुकी थी तो मैंने टी शर्ट उतार के रख दिया है यहाँ पे, और अभी करेंगे ऑफिस का काम और मिलते हैं आपसे फिर थोड़ी देर के बाद जैसे ही मौका मिलेगा। अगर फ्री हुए तो मिलेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली चार मिलते हैं, बाय। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और यहाँ पर हम आ चुके हैं पार्किंग में। वक्त हो गया है 7:43 और फिलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं। ऋषभ अब कर रहा है अपनी बाइक स्टार्ट और मैं भी बाइक स्टार्ट करूँगा। ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है अभी भी, अगर हो रही होगी तो भीगते हुए जाएंगे, आए भी भीगते हुए थे, जाएंगे भी भीगते हुए। और कुछ पार्किंग के हालात आपको दिखा देता हूँ, अगर समझ में आए तो अपनी राय ज़रूर दें। सो गाइस हमारी पार्किंग जो है वो यहाँ पर अंडर क्या बोलते हैं इसको, ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे आके, और यहाँ पर फिलहाल जम चुका है काफ़ी ज़्यादा पानी। और यहाँ पर मिस्टर ऋषभ रेडी हो चुके हैं। कैसा रहा आपका दिन आज का? आज का दिन मेरा बहुत ही जानदार शानदार जबरदस्त रहा। मैंने सो गाइस हो चुका है टाइम हमारे खाने का, और खाना यहाँ पर फिलहाल हम लोगों ने लगा दिया है। मोटो और कुछ लाना है दिव्या? गिलास आ गया, अचार दाल वगैरह है तो सब कुछ है, ठीक है ना? ओके तो बैठते हैं, करते हैं शुरू अपना खाना और मिलते हैं आपसे अगली चाल में। तो गाइस खाना तो मैंने खा लिया है, खाना भी अच्छा था, जानदार खाना था। जैसे कि आपने ऋषभ का दिन देखा जानदार शानदार, तो हमारा खाना भी अति जानदार शानदार था। अच्छा यार वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। बहुत मैं भीगता हुआ गया, भीगता हुआ आया, सब कुछ सही रहा, लेकिन एंड में हुआ क्या कि शायद वेबसाइट का कोई ग्लिच रहा था। तो मुझे जब मैंने सेम डे फॉर सपोज मैंने 19 तारीख को बुकिंग डाली थी शाम को करीब 4:30 बजे, और वो मुझे 19 तारीख की सुबह की अपॉइंटमेंट दी थी उन्होंने। तो मुझे लगा था कि अगर मैं 20 तारीख को जाऊंगा तो वो मेरे को वैक्सीन लगा देंगे। मैं वहां पर गया और मैं लाइन में भी लगा काफी देर तक अपना इंतजार करा मैंने, बट फाइनली उन्होंने मुझे बोला कि भैया वेबसाइट में कोई ग्लिच था तो उसकी वजह से आपकी ये सुबह की आ गई, तो अब ये आपको दोबारा से लगानी पड़ेगी। और यार दोबारा मैं ढूंढ रहा हूँ और बहुत सारी मतलब मैंने बहुत बार ट्राई कर दिया लेकिन मुझे मिल नहीं रही है। तो अगर आप लोगों को किसी तरीके से कोई आसान तरीका बताओ जहाँ पर फ्री वैक्सीन लग सके तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे लगानी है वैक्सीन जल्द से जल्द। और आप लोगों से भी मैं ये गुजारिश करूंगा, जितने भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो भाई वैक्सीन लगवा लो, बढ़िया रहेगा आने वाले टाइम में। बिल्कुल जब यहाँ तक आ जाएगा पानी तब फिर वैक्सीन के लिए मारे मारे फिरोगे, जैसे वैक्सीन उसके लिए फिर रहे थे हम लोग ऑक्सीजन के लिए, फिर वैक्सीन भी नहीं मिलेगी। तो भाई जहाँ जब तक मिल रही है, जहाँ से मिल रही है, जैसे मिल रही है लगवाओ और खत्म करो मामले को।
तो गाइज इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो करते हैं वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगर बहुत ही अच्छा लगा हो आपको समझ में आया हो भाई चलो ठीक है मजा आ रहा है एंटरटेन हो रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट, टाटा। ऐसे तो करो, ऐसे तो करो।